कीचड़ भरे रास्ते से चलकर 2 किलोमीटर दूर बालिकाएं स्कूल पहुंचती हैं। देवास जिले के खाते गांव तहसील का यह मार्ग जामनेर से खूब गांव तक 4 किलोमीटर का यह रास्ता शासन के द्वारा स्वीकृत है। ठेकेदार के द्वारा कुछ हिस्सों में काम किया गया है, पर जामनेर से लेकर बुराड तक के 2 किलोमीटर का रोड कीचड़ भरा होने से यहां पढ़ने जाने वाली बालिकाओं को बड़ी ही दिक्कतों व परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बड़ी ही मुश्किलों का सामना करके 4 से 5 गांव की बालिकाएं हाई स्कूल बुराड़ा पहुंचती है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बालिकाओं की परेशानियां वहां भी कम नहीं होती, क्योंकि ना तो स्वयं का हाई स्कूल का भवन है और ना ही बैठने के लिए फर्नीचर। हाई स्कूल कक्षाएं भी मिडिल स्कूल के बने कमरों में ही संचालित होती हैं। 2 से 3 कमरों में आसपास के गांव के 100 से अधिक बालक बालिकाएं बड़ी मुश्किल से नीचे फर्श पर बैठकर अपना अध्ययन कार्य करते हैं। इन कमरों में लड़के और लड़कियों को कॉमन रूम में एक साथ बिठाकर पढ़ाई कराई जाती है। हाई स्कूल स्वीकृत हुए 6 वर्ष से अधिक समय हो गया है, ना तो पर्याप्त शिक्षक हैं। अतिथि शिक्षकों के भरोसे ही हाई स्कूल के विद्यार्थियों की पढ़ाई हो रही है। जिम्मेदार अधिकारी यह सब देखकर भी अपनी आंखें मूंद लेते हैं। हमारे न्यूज रिपोर्टर जब ग्राम पंचायत बुराड़ा के हाई स्कूल में पहुंचे तो वहां की व्यवस्थाओं को देखकर दंग रह गए। किस तरह से बालक बालिकाएं छोटे छोटे कमरों में बड़ी मुश्किल से नीचे बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और इन सब के बाद भी इन बालिकाओं के स्कूल आने का रास्ता परेशानियों भरा है कि पैदल चलना भी बरसात के दिनों में मुश्किल होता है। जैसे तैसे गिरते पड़ते बालिकाएं स्कूल पहुंचती हैं, स्कूल पहुंचने में भी उन्हें देर हो जाती है, कीचड़ में कपड़े गंदे हो जाते हैं। पर विडंबना देखिए कि रास्ता शासन के द्वारा स्वीकृत होने के बाद किसान व सड़क निर्माण ठेकेदार के आपसी विवाद के चलते आज भी अधूरा पड़ा है। तुम यहाँ पढ़ने जामनेर से? कहाँ से आते हो पढ़ने? जामनेर। रोज इसे आते हो? हाँ, ऐसे ही आते हैं। ऐसा कीचड़ मचा रहता रास्ते में पूरे? हाँ। कितना किलोमीटर तुम चल के आते हो यहाँ से? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से? रोड बनना चाहिए। हाँ, बनना चाहिए सर जी। हम स्कूल जाते हैं तो लेट हो जाते हैं, सब गाराम लतर पतर हो के जाते हैं, और आधा पेट हमारा ज़्यादा हो जाता है जब पहुँचते हैं स्कूल में। हमें रोड की व्यवस्था चाहिए यहाँ पे। हम जाते हैं तो हमें साइकिल कीचड़ भरा जाती है, क्या हम गिर पड़ जाते हैं, कोई बच्चा गिर पड़ जाता है तो हमें दिक्कत आती है। इधर ड्रेस पूरी गंदी हो जाती है, जिस दिन ड्रेस पहन के नहीं जाते तो उस दिन सर उनके भी चाहिए ना ड्रेस बने। और क्या परेशानी आती है? यही परेशानी आती है सर, रोड चाहिए हमको बनाना। ऐसा? हाँ। तूने बताया सरपंच किसी को? बोला तुमने? सर जी, 2-2 बार के आगे, पर बनाना नहीं चाहते कोई भी। ऐसा? स्कूल आने में भी लेट हो जाते हो ना? हाँ सर जी। साइकिल भी नहीं चलती तुम्हारी? नहीं सर जी। रोड बनने लगा था गर्मी में, बनते बनते रोक दिया, क्या मालूम क्या दिक्कत है, आगे से बन रहा था, बनते बनते सब कुछ रहते सब पटकने के बाद भी इस रोड को रोके गया है। क्या पता क्यों रोका गया या हमको जानकारी नहीं है, इस कारण हम यह जानकारी हमको यह हमेशा दिक्कत आती है जब हम स्कूल जाते हैं। हम 6 से पढ़ते हैं, पर हम 6 से 11 में से निकलते हैं। जो बच्चे पढ़ के भी निकल गए वो घुटने घुटने गाड़ी से निकलते जाते हैं। हमें रोड बननी चाहिए यहाँ पे, और नहीं तो स्कूल में हमको दिक्कत आती जाने में। कब से शुरू हुआ है ये हाई स्कूल? सन 2013 से खुल चुका है, मिडिल से इसका उन्नयन हुआ हाई स्कूल में, लेकिन तब से अभी तक बिल्डिंग भी स्वीकृत नहीं हुई है। आसपास के बहुत सारे बच्चे आते हैं जो उम्मीद लेके आते हैं कि हमारी को अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी व्यवस्था हो, लेकिन अब शासन ध्यान नहीं दे रहा है। अभी शिक्षक की व्यवस्था भी नहीं हो पाई है, और बच्चों को फर्नीचर की भी आवश्यकता है, बिल्डिंग भवन की भी आवश्यकता। आपने इसकी डिमांड की आगे? हाँ, कई बार हमने वरिष्ठ कार्यालय से मांग की है और आवेदन भी लगाए हैं, लेकिन अभी तक तो व्यवस्था नहीं हो पाई है। शिक्षकों के संबंध में क्या स्थिति यहाँ पर? अब शिक्षक जो है अतिथि रख के हम पढ़ाई करवा रहे हैं, लेकिन अभी परमानेंट शिक्षक की व्यवस्था यहाँ नहीं हो पाई है। कितने कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं? कौन कौन से? ग्राम जामनेर है, दुलवा है, इधर खुदगांव और रहती, ऐसे 5-7 गांव से आते हैं बच्चे। और भी अगर हायर सेकेंडरी हो जाए तो और भी दूसरे गांव से भी आ जाएंगे यहाँ से। धुंधरकड़ी पास में है, मुरझाल है, कावलिया है, तो लेकिन सबसे पहली समस्या जो है वो बिल्डिंग की है और फर्नीचर बच्चों के लिए और शिक्षकों की। ये व्यवस्था होना चाहिए अति शीघ्र। अच्छा, ये जो आपका भवन अभी स्कूल जो लग रहा है, किस भवन में लग रहा है? ये मिडिल स्कूल के भवन में लग रहा है, और इसमें बहुत 3-4 कमरे हैं छोटे छोटे, तो बड़ी अव्यवस्था ही है यहाँ पे। जामनेर से लेकर खुबगांव तक का प्रधानमंत्री रोड है, जो जामनेर से बुराड़ा के बीच में नहीं बनाया गया ठेकेदार के द्वारा, जिसकी वजह से स्कूल की जो बच्चियां हैं 30 से 40, उनको कीचड़ में से होकर निकलना पड़ रहा है। जी हाँ, ये आपके माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हुई। इसमें एक कृषक द्वारा काफ़ी आपत्ति ली गई, विवाद भी किया है, उसके कारण ये रोड अधूरा है।
मेरी कोशिश रहेगी कि अभी अस्थायी रूप से उस रोड को चालू करने के लिए उसमें मिट्टी मुरम या बोल्डर लाल उसमें रास्ता चालू किया जाए ताकि बच्चों को आने जाने के लिए किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। सर इस संबंध में पहले आपको कोई जानकारी थी? हाँ, इस संबंध में भी गांव वालों ने मुझे शिकायत की थी। मैंने यहाँ से TI को बता दिया था कि इस पर कार्रवाई करें, लेकिन चूँकि इसके बीच में क्या कार्रवाई हम इससे फॉलोअप नहीं ले पाए थे, अभी पुनः इसके बारे में फॉलोअप लेकर ऑनलाइन कार्रवाई करेंगे। ठीक है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।